नमस्कार, मैं हूं देवांशली मोहित्रा। हर नौजवान के जहन में एक सपना होता है कि वो एक न एक दिन पुलिस की वर्दी में दिखे। लाखों माँ बाप अपने बच्चों को पुलिस में भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग जो पुलिस इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए। अगर आप अभिभावक हैं या पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपको इस रिपोर्ट में पुलिस में भर्ती होने के बारे में ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसके बारे में आपको शायद पता भी ना हो। अब यहाँ एक और कंफ्यूजन है, हर पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं होता। पुलिस विभाग में अलग अलग रैंक्स होते हैं। फिल्मों में आपने कई किरदारों या हीरो को पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में देखा होगा। उदाहरण के तौर पर सिंघम को ही ले लीजिए या दबंग को ही, इसमें भी एक पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं आप। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि पुलिस इंस्पेक्टर एक जिम्मेदारी वाला पद होता है जिसमें आपको 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है। मतलब आपको पहले पूरी तरह अनुशासन सीखना होगा। दूसरा है फिजिकल स्ट्रेंथ या फिटनेस। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। अगर आप फिट हैं, तेज दौड़ सकते हैं, तो समझिए पुलिस में भर्ती की आधी योग्यता आप पूरी करते हैं, चाहे आप पुरुष हो या महिला। तो सबसे पहले हम आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में जानकारी देते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए फिजिकल फिटनेस, पुलिस में भर्ती के लिए पुरुष की छाती बिना फुलाए कम से कम 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद छाती कम से कम 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुलिस में भर्ती के लिए पुरुष का कद कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं की लंबाई 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। पुरुष वर्ग को 5 किलोमीटर दौड़ यानी रनिंग करनी होगी, जिसे आपको 25 मिनट में पूरी करनी होगी। ये फिजिकल टेस्ट होता है जो पुलिस बनने के लिए आपको क्लियर करना होगा। महिलाओं को 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी 15 मिनट के अंदर। रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल फिटनेस, आरक्षित श्रेणी के लिए पुरुष के लिए छाती 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए और फूलने के बाद चेस्ट का साइज 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। आरक्षित वर्ग में पुरुष के लिए हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बताते हैं पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए, उम्र 21 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले 12वीं पास करें, कला, विज्ञान या वाणिज्य किसी भी सब्जेक्ट से। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा इन्हीं 3 संकायों में से किसी एक में। फिर आपको कई राज्यों में निकलने वाली पुलिस भर्तियों के बारे में पता करना होगा। ध्यान रखिए, ये जानकारी आपको हर सप्ताह निकलने वाली एम्प्लॉयमेंट न्यूज से मिल सकती है। राज्यों में इंस्पेक्टर की परीक्षा स्टेट SSC की तरफ से आयोजित की जाती है, जिसमें एक आवेदन भरने के बाद आप इनकी परीक्षा में बैठ सकते हैं। एंट्रेंस परीक्षा में आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, आपको 10+2 के बाद से ही तैयारी करनी होगी। कई राज्यों में इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, फिर लिखित परीक्षा होती है। फिजिकल टेस्ट में आपको तकरीबन 5 या 8 किलोमीटर की दौड़ या फिर 8 मिनट में 1 मील की दौड़ पूरी करनी होती है। पहली परीक्षा में पास करने वालों को दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति होती है। फिर प्राप्त अंकों के आधार पर फिजिकल टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब आप इतनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेते हैं तो फिर आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होता है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने पर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद एक छोटी सी ट्रेनिंग के बाद आपने जिस राज्य में परीक्षा दी है उसके अलग अलग शहरों में नियुक्त कर दिया जाता है। महकमे में इंस्पेक्टर रैंक पर नियुक्ति के लिए ये पूरी जानकारी हमने आपको दी। इससे नीचे के पद पर भी ज्वाइनिंग करने के बाद आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी सर्विस के कुछ सालों बाद आपको प्रमोशन मिल सकता है और इस तरह से आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं।